बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, बीजेपी की सीट 4 गुना हुई है। कांग्रेस वहाँ जरूर साफ हो गई और कांग्रेस मेरा ख्याल है 0 से भी आगे नहीं बढ़ पाई है। तो कुल मिलाकर यदि दिल्ली का चुनाव परिणाम को हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव की तुलना में गेन किया है, लूज आप पार्टी ने भी किया है और कांग्रेस ने भी किया है। इसलिए अगर संख्या बल पे देखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार आम पार्टी की बनी है और हम उनको बधाई भी देंगे, पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव की दृष्टि से बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि लगभग 4 गुना सीटें बढ़ी है। दिल्ली चुनाव में कोई चेहरा रहता तो क्या उसका फर्क पड़ता भाजपा की तरफ से? अब ये तो ऐसा है कि चर्चा की बात है, जहाँ हमने चेहरा नहीं रखा वहाँ पर भी हमने सरकार बनाई है। हरियाणा में सरकार बनाई, त्रिपुरा में सरकार बनाई है, बंगाल में हम सरकार बनाएंगे बिना चेहरे के। तो चेहरा हो या नहीं हो एक अलग विषय है, पर हाँ हम निश्चित रूप से वहाँ पर दिल्ली के अंदर एक बार मंथन जरूर करेंगे कि संगठनात्मक मजबूती वहाँ पर हो। एक सवाल और उठ रहा था कि एक तरफ कहा जा रहा कि आप पार्टी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा तो वहीं भाजपा ने तुष्टिकरण की। देखिए विकास विकास क्या फ्री मुद्दा था, सब चीज़ फ्री, तो मुद्दा फ्री का था और इसलिए अब इसके अंदर विकास कहाँ गया ये तो केजरीवाल जी बताएंगे, पर जो चुनाव 6 महीने के अंदर जो फ्री की घोषणा हुई है उसका चुनाव में असर हुआ है। सर आकाश विजयवर्गीय द्वारा एक बयान आया है सामने जिसमें बोला गया है मनीष मामा द्वारा टीआई CSP SP को लप्पड़ मार देते हैं, पता नहीं आकाश इस पूछ सवाल था। ये जो आदिवासी जो हिंदू लिखने को लेकर जो इस पर आपत्ति जताई है आपने, देखिए ये कमलनाथ जी ने एक बहुत जहरीला बयान दिया है और ये कांग्रेस की नीति रही है कि फूट डालो और राज करो। पहले हिंदू और मुसलमान को इस देश में लड़ाया, फिर भारत का विभाजन हुआ और अभी भी कांग्रेस की वही नीति है। जो कमलनाथ जी का बयान है वह हिंदुओं को बांटने का बयान है। हम सब जानते हैं रामचरितमानस में भगवान राम ने शबरी के यहाँ बेर खाए थे। शबरी कौन थी? निषाद राज को गले लगाया था। निषाद राज कौन थे? केवट को गले लगाया था। केवट कौन थे? और सब राम को आराध्य मानते थे। इसलिए आदिवासी को हिंदू नहीं है ये कहना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र है हिंदुओं की संख्या कम करने का और ये कहीं ना कहीं इसके पीछे सोनिया जी का निर्देश काम कर रहा है। कमलनाथ जी को यह बयान बहुत महंगा पड़ेगा।